Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एंड वेलकम टू testbook.com एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. सो गाइज, आज हम कवर करने वाले हैं न्यू बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड सेशन को, जिसमें मैंने कोशिश करी है कि एटलीस्ट मार्च, अप्रैल, मई और जून और जुलाई वाली जो बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनको एटलीस्ट हम लोग कवर कर लें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, जो कि न्यू बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड है. एंड थैंक्स फॉर योर कमेंट एंड थैंक्स फॉर योर लाइक जो आपने लास्ट मेरे प्रीवियस वीडियोस पर दिया था. सो आगे भी मैं आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही लाइक, कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहे. तो चलिए मिलते हैं पहले क्वेश्चन से. आपका पहला क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री एम वेंकैया नायडू रिलीज अ बुक टाइटल दैट इज विवेक दीपनी. इसे शुरू में या इट वाज इनिशियली रिटन बाय, इसे शुरू में डैश द्वारा लिखा गया था. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आदि शंकरा चार इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आदि शंकराचार्य, बेसिकली आपके भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने ये पुस्तक जो है जारी करी थी, जिसका मेन जो टाइटल है वो है विवेक दीपनी. और इसे स्टार्टिंग में आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा गया, जो कि बहुत ही बड़ी आध्यात्मिक और साहित्यिक प्रतिभाओं में से आप शंकराचार्य जी को जानते हैं, वो है. ठीक है, सो इसमें सत्य जो आपके ट्रूथ है, उन यूनिवर्सल ट्रूथ पर जो है कुछ रिफ्लेक्शंस दिया गया है इस बुक के अंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन हर डेब्यू नोबल द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी. निम्नलिखित में से किसने अपना पहला उपन्यास द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी लिखी है? तो सबसे पहला उपन्यास मीनाक्षी लेखी ने द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी जो है वो लिखी है इन्होंने. और इसमें दिल्ली के जो पॉलिटिकल पूरा व्यू है, वो पॉलिटिकल व्यू इन्होंने इसमें डिफाइन कर रखा है. हालांकि इन्होंने अकेले इस बुक को नहीं लिखा है, मिस्टर कृष्ण कुमार जो है वो इनके को ऑथर इनके साथ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. हाँ, साथ ही साथ ये जो बुक है ये 8 जुलाई 2019 को पब्लिश हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री एम वेंकैया नायडू रिलीज अ बुक टाइटल. ओके, क्वेश्चन रिपीट है, इसको हम लोग स्किप करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन हर डेब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लाहौर के अंतिम महाराजा दिलीप सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक द एग्जाइल के लेखक कौन है? द एक्साइल के लेखक आपके बेसिकली लाहौर के जो लाहौर के जो आपके रूलर रहे हैं, अंतिम राजा रहे हैं, उन पर आपकी ये बुक लिखी गई है. और ये बुक लिखी है नवचेतन सरना ने. नवचेतन सरना जो है ये है एक इंडियन राइटर है, हालांकि पॉलिटिशियन भी हैं. और पॉलिटिशियन के साथ साथ ये दरअसल आपके इसराइल में ये भारतीय राजदूत के रूप में इन्होंने अपनी सेवा भी इवन दी है. इनका जन्म आपके जलंधर वगैरह में हुआ था और वहीं पर इनका पूरा स्टडी भी हुआ. तो इन्होंने आपके ये बुक लिखी. और भी सारी इनकी बुक्स हैं, जैसे वी वर नॉट लवर्स लाइक दैट, ठीक है, ये एक इनकी बुक है. देन आफ्टर विंटर इवनिंग भी इनकी एक बुक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर. इनमें से कौन लेखक है आपके फ्रीडम फ्रॉम फियर वाली बुक का? तो करेक्ट आंसर है आपके उंग सान सू की जो है, ये आपके राइटर हैं इसके. नेल्सन मंडेला की बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और नेल्सन मंडेला की बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है. द बुक नेम इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. देन आफ्टर आपके महात्मा गांधी की बुक है आपके हिंद स्वराज, पता ही होगा आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी. ठीक है, देन आफ्टर आपके मार्टिन किंग लूथर, वाई वी कांट वेट
वेट, ये इनकी एक बुक का नाम है। हालांकि जो बुक फ्रॉम फ्रीडम थी, ये बुक आपके 1991 की काफ़ी फेमस बुक मानी जाती है, ठीक है। और जो आपके आंग सान सू की थे, इन्होंने ये फाउट फॉर द फ्रीडम एंड राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक गेम चेंजर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक गेम चेंजर? तो शाहिद अफरीदी जो है वो आपके गेम चेंजर नामक बुक के रचयिता है, या कहिए राइटर है। ये एक तरह से शाहिद अफरीदी की आत्मकथा यानी कि बायोग्राफी ही है, तो यहाँ पे इसको बायोग्राफी से भी क्वेश्चन इसका मिल सकता है। देन आफ्टर अनुपम खेर की एक बुक है आपकी, लेसन लाइफ टॉट मी अनोइंगली, ठीक है। ये इनकी एक बुक है। देन आफ्टर आपके कृष्णा त्रिलोक की एक बुक है, नोट ऑफ अ ड्रीम द थ्राइस्ड बायोग्राफी ऑफ ए आर रहमान की बायोग्राफी इन्होंने लिखी है और उसका नाम है नोट्स ऑफ अ ड्रीम, ठीक है। देन आफ्टर मनमोहन सिंह जी की बुक है चेंजिंग इंडिया, ठीक है। तो ये आपको मेनली याद रखना है। नवीन चावला की भी एक बुक है आपका, एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन, ठीक है, ये बुक आपकी इसमें रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वॉइस टू अंटार्कटिका पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ वॉइस टू अंटार्कटिका? तो वॉइस टू अंटार्कटिका के लेखक है आपके डॉक्टर फेलिक्स बॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपना पहला उपन्यास, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, मीनाक्षी लेखी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आपके 21 लेसन फॉर द 21st सेंचुरी पुस्तक के रचयिता है, या कहिए ये बुक किसने लिखी है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज युवल नू हरारी ने आपके इस बुक को लिखी है। युवल हो नरारी जो है वो एक इजरायली हिस्टोरियन है, इजरायली इतिहासकार है, ठीक है। उन्होंने होमोसेपियंस करके भी आपका एक बुक जो है वो उस टाइम पर लिखी थी। यहाँ पर आपके इमरान हाशमी एक नाम दिया गया है, इनकी भी एक बुक है द किस ऑफ माय लाइफ, ठीक है, तो बुक भी सेम ही है, द किस ऑफ माय लाइफ, ठीक है, ये इनकी बुक है। देन आफ्टर अमिताभ घोष की बुक भी आपको काफी इंपॉर्टेंट होगी, फ्लड ऑफ फायर, ये इनकी एक बुक है। शशि थरूर कौन नहीं जानता, इस बार के वर्ल्ड कप में तो वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा छाए रहे, तो शशि थरूर जी की जो बुक है वो है वाई आई एम अ हिंदू, और अपने इंग्लिश के लिए काफ़ी अच्छे से जाने जाते हैं शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुराग सागर द्वारा लिखित बुक है, तो अनुराग सागर की रचयिता करी थी कबीर जी ने। कबीर जो थे ये बेसिकली एक आध्यात्मिक पूरी एक बुक थी, या स्पिरिचुअल लेसन्स इसमें दिए गए हैं। हालांकि कबीर की और भी बुक है, जैसे बीजक, ठीक है, बीजक कबीर की बुक है, या फिर कबीर ग्रंथावली करके एक बुक है, ये भी आपके कबीर की बुक है। सखी ग्रंथावली या सखी ग्रंथ करके एक बुक है, ये भी कबीर की ही बुक है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद इनकी बुक, जैसे माय मास्टर, ठीक है, आपसे पूछी जा सकती है, माय मास्टर इनकी बुक है, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा, ठीक है, ये इनकी बुक है। दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, आप लोगों ने कई बार मार्केट में भी देखी होगी बुक, सत्यार्थ प्रकाश इनकी ही बुक है। महात्मा गांधी, हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डायरी ऑफ एन ऑसम फ्रेंडली किड, रॉली जेफरसन जर्नल, ठीक है, तो बेसिकली डायरी ऑफ एन ऑसम फ्रेंडली किड रॉली जेफरसन जर्नल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बुक ऑलरेडी इतनी लंबी है तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगी, तो जेफ किनकी इज द राइट नेम फॉर दिस बुक। आपके 11th अप्रैल 2019 को पेंगुइन बुक्स के बच्चों के जो प्रिंट है तब इस बुक की आपकी घोषणा करी गई है, ठीक है, तो ये काफ़ी न्यू बुक है तो याद भी रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अ बोनसाई ट्री एन ऑटोबायोग्राफी इज कौन ऑथर है आपके, अ बोनसाई ट्री एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो नरेन लूथर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके ये नरेन लूथर की ही एक आत्मकथा है, जो कि डिवीजन के बाद आपके लोगों का क्या हुआ, उनके सराउंडिंग्स का क्या हुआ, उस पर आपकी ये दरअसल पूरी एक बेस्ड बुक है।
नरेन लूथर कौन है? तो ये पहले आईएएस अधिकारियों में से एक है, नरेन लूथर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हु इज द ऑथर ऑफ वॉयज टू अंटार्कटिका? वॉयज टू अंटार्कटिका के लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं डॉक्टर फेलिक्स बास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स विच इज करेंटली शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल डबलिन लिटरेचर या लिटरेरी अवार्ड? तो आपके द पुस्तक एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स के लेखक कौन है, जिसे अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन जो पुरस्कार है मई 2019 में इसको इसके लिए नॉमिनेट किया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा आपके करण महाजन, ठीक है। ये उनका पहला फैमिली प्लानिंग प्रॉपर एक नोवेल था, पहला फैमिली प्लानिंग नोवेल ये रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर द बुक अनडाउट या अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया? तो बेसिकली अनडॉन्टेड जो बुक है सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, ये आपकी पी चिदम्बरम के द्वारा लिखी गई बुक है। ये पी चिदम्बरम आपके फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और ये बुक इन्होंने पूर्व आपके जो हामिद अंसारी जी थे उनके द्वारा 8 February 2019 को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय में आपके इस बुक न्यू दिल्ली में इस बुक को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज कंपाइल्ड द एंशियंट ट्रीटीज नाट्यशास्त्र ऑफ इंडिया? भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र का जो संकलन है वो आपके भरत मुनि ने किया है, ठीक है। तो भरतनाट्यम यहाँ पे आपके, अगर मैं नाट्यशास्त्र में बात करूँ तो भरतनाट्यम तमिलनाडु को बिलोंग करता है, देन आफ्टर आपके कुचिपुड़ी जो है वो आपके आंध्र प्रदेश को। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें उन्होंने दो टाइप के डांसेस डिफाइन किए थे, एक था तांडव और एक दूसरा था आपका लास्या, ठीक है। और तांडव जो आपके बल और शक्ति इस तरह यानी कि पावर को डिनोट करता था, वहीं लास्या जो है वो आपके एक तरह से स्ट्रेंथ को डिनोट करता था, ठीक है। तो इस बुक में आपके क्लासिकल डांस को, बेसिकली जो 8 क्लासिकल डांस हैं उनको डिफाइन किया गया। 8 क्लासिकल डांस आपको याद रखने होंगे, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी आपके ओडिशा का है, मोहिनी अट्टम केरला का है, देन आफ्टर कथक भैया यूपी उत्तर प्रदेश का है, कथक कली आपके केरला का है, देन आफ्टर आपका शास्त्रीय ये आपका असम का डांस है, और मणिपुरी मणिपुर का डांस है। इन डांस का पूरा चर्चा इसमें करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हु ऑथर द बुक, ओके इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, पी चिदम्बरम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉवेल प्राइड एंड प्रीजुडिस वॉज रिटन बाय, आपका प्राइड एंड प्रीजुडिस उपन्यास डैश द्वारा लिखित है? तो आपका ये उपन्यास लिखा है जेन ऑस्टिन ने, ठीक है। जेन ऑस्टिन का काफी पुराना उपन्यास एक्चुअली ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेम द बुक ऑथर्ड बाय के आर मीरा विच रेज pertinent question about the politics of faithfulness and the price of idealism. के आर मीरा द्वारा लिखी गई उस पुस्तक का नाम बताइए जो राजनीतिक विश्वसनीयता और आदर्शवाद की कीमत के बारे में प्रासंगिक प्रश्न उठाती है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द गॉस्पेल ऑफ यूदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईयर ऑफ द रनवेज वॉज रिटन बाय, द ईयर ऑफ द रनवेज डैश के द्वारा लिखी गई बुक है? तो संजीव सहोता के द्वारा लिखी गई आपकी ईयर ऑफ द रनवे बुक है। खुशवंत सिंह आपकी एक बुक इनकी आपको मालूम हो अगर, याद हो, ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान इन्हीं के द्वारा लिखी गई बुक है। दादा भाई नरौजी आपकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके एक बुक है। चार्ल्स डिकेंस ने आपकी एक बुक लिखी थी ऑलिवर ट्विस्ट, ये एक इनकी बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजुला पद्माभन इनमें से किस पुस्तक की लेखिका है, या मंजुला पद्माभन इज द ऑथर ऑफ विच ऑफ दीज बुक्स फॉलोइंग दीज बुक? तो मंजुला पद्माभन इज द राइटर ऑफ द आइलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपकी नेमसेक जुम्पा लहरी ने आपकी ये बुक लिखी थी, आपको अच्छे से याद होगा ये वाली बुक, ठीक है। देन आफ्टर आपकी मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस ये बुक आपकी लिखी थी चित्रा बेनर्जी ने, ठीक है। देन आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस ये बुक आपकी लिखी थी अरुंधति रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मिड मार्च नोवेल इज रिटन बाय, आपकी मिडल मार्च उपन्यास जो है वो डैश के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, तो करेक्ट आंसर होगा आपके जॉर्ज एलियट के द्वारा ये पूरा एक उपन्यास जो है लिखा गया है। लियो टॉलस्टॉय द्वारा लिखा गया जो बुक है वो है वॉर एंड पीस, ठीक है। विलियम शेक्सपियर के द्वारा रोमियो जूलियट एंड हैमलेट ये एक बुक है। चार्ल्स डिकेंस आपके द सिंगल मैन, एक 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 अलग बुक मैं बता रही हूँ तो सो देट आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक राणा दास गुप्ता को उनके 2010 के उपन्यास डैश के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। तो लेखक राणा दास गुप्ता को उनकी एक बुक सोलो, ठीक है, सोलो इस बुक के लिए उनको सम्मानित किया गया था, ये बुक आपकी उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडिया रिमेंबर्ड नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो इंडिया रिमेंबर्ड नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके पामेला माउंटबेटन, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एस अगेंस्ट ऑड्स ऑड्स इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो बेसिकली एस अगेंस्ट ऑड्स की डैश की आत्मकथा है, तो ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, ये इनकी एक बुक है प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, देन आफ्टर आपके करण जौहर की द अनसुइटेबल बॉय, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंकन इन द बाडो के लेखक यानी कि राइटर कौन है? तो लिंकन इन द बाडो के लेखक हैं आपके जॉर्ज सैंडर्स, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इनके लेखक है। देन आफ्टर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ दिल्ली पुलिस ऑफिसर हैज बीन अवार्डेड पंडित गोविंद वल्लभ पंत अवार्ड इन अप्रैल 2019 फॉर हिज बुक। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी को उनकी पुस्तक डैश के लिए अप्रैल 2019 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो संविधान काव्य नाम की बुक एक्चुअली इन्होंने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हु रोट द इंडियन हिस्टोरिकल फिक्शनल नोवेल द राइज ऑफ शिवगामी, पब्लिश्ड इन मार्च 2017 में प्रकाशित भारतीय ऐतिहासिक उपन्यास द राइज ऑफ शिवगामी जो है वो लिखी थी आपके आनंद नीलकंठन ने। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट उस समय का नोवेल था, और इनके द्वारा आपके जैसे एक और बुक भी लिखी है सुग्रीव और तारा करके एक बुक इन्होंने लिखी थी, ये बुक आपकी एक बार पेपर में आ चुकी है, ठीक है। अरुंधति रॉय के द्वारा काफ़ी सारी बुक्स लिखी गई हैं, मैं बोल दे रही हूँ, जैसे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये काफ़ी फेमस बुक थी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पेपर में कई बार आई है ये अटमोस्ट हैप्पीनेस वाली बुक, ठीक है। अमीश त्रिपाठी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी भी, द इमोर्टल ऑफ मेलुहा, ठीक है, ये इनकी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बुक है इमोर्टल ऑफ मेलुहा, ठीक है। इसके अलावा द सीक्रेट ऑफ नागास ये आपकी एक बुक है। देवदत्त पटनायक के द्वारा माई गीता ये एक बुक लिखी गई है। ओके, सो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज द ऑथर ऑफ स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर के राइटर कौन है? तो पी चिदम्बरम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ रन्स एंड रून्स, आपके रन्स एंड रून्स के लेखक कौन है? तो सुनील गवास्कर आपके रन्स एंड रून्स के लेखक हैं। यहाँ पे कपिल देव नाम आया है, तो कपिल देव जी का एक जो बुक थी वो क्रिकेट माय स्टाइल करके इनकी एक बुक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द ऑथर ऑफ फ्लड ऑफ फायर, अभी मैंने जब एक्सप्लेनेशन दिया था तब आपको ये एक्सप्लेन भी किया था कि इनमें से कौन फ्लड ऑफ फायर के लेखक है, तो अमिताभ घोष आपके फ्लड ऑफ फायर के लेखक हैं। अमर सेन इनकी एक बुक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम ये इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है। रस्किन बॉन्ड आपका सुसना सेवन हस्बैंड करके एक बुक थी इनकी। विक्रम सेठ अ सुइटेबल बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल नो अदर वर्ल्ड पब्लिश्ड इन 2017 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राहुल
मेहता. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक इमोर्टल इंडिया पब्लिश्ड इन 2017 इमोर्टल इंडिया अमर भारत के लेखक. तो अमीश त्रिपाठी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चेतन भगत नाम दिया है, द गर्ल इन द रूम 105 और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं चेतन भगत की. अरविंद अडिगा आपका द वाइट टाइगर, ठीक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, वाइट टाइगर, तो इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से. लास्ट मैन इन द टावर ये भी इनकी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है. विक्रम सेठ मैंने बता दिया, अ स्वीटेबल बॉय और द गोल्डन गेट, ये दो बुक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आशा किरणम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, आशा किरणम इनमें से किसकी आत्मकथा है. तो आपके संक्रोशी चंद्रशेखर जी की आत्मकथा ये है. 10 अप्रैल 2019 को इस बुक को पब्लिश किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन इकोनॉमिस्ट रोट द 2017 बुक आई डू व्हाट आई डू, किस भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 की पुस्तक आई डू व्हाट आई डू को लिखा है. तो रघुराम राजन ने आपके इस बुक को लिखा है. ये थोड़ी सी पुरानी बुक है लेकिन आपके पेपर्स में आ सकती है, क्योंकि इकोनॉमी और फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई भी बुक होती है तो वो कभी भी पुरानी नहीं मानी जाती. जैसे दादा भाई नौरोजी की अक्सर बुक्स आप लोगों को अपने पेपर्स में देखने मिल जाएंगी. तो ये हम लोगों ने आज कंप्लीट किया. बैक टू द स्क्रीन. ओके सो गाइस, हैव वी कंप्लीट सम इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर फॉर योर सेशन, फॉर योर एग्जाम एक्चुअली. तो आई होप सो यू लव द सेशन. इफ यू लव द सेशन सो डोंट फर्गेट टू हिट द लाइक बटन, डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फर्गेट टू शेयर दिस वीडियो. ओके मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.